अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं मुंशारी। तो ये राइड को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? रॉयल एनफील्ड शोरूम यस। इस राइड को जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वो हैं चौहान जी, रॉयल एनफील्ड शोरूम पिथौरागढ़ से। तो राइड का पूरा मजा लेंगे, हर एक मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे। हम पहुंच चुके हैं, कहां पर पहुंच चुके हैं? भोलेनाथ का मंदिर पलेटा। तो पलेटा में भगवान जी के दर्शन आपको भी करा देते हैं। जय हो भोलेनाथ की। अंदर पंडित जी भी हैं, वो दिखते नहीं हैं। तो यही यहाँ का ओवरव्यू। अभी चल रहे हैं हम सीधे कहां पर? ओखला। 3 दिन पहले योगा दिवस था, ठीक है। और तो हमारी पहाड़ की महिलाओं को योगा करने की जरूरत, देखिए वो कौन, कितने लोग हैं वहाँ पे? वहाँ पर 2 लोग हैं देखिए। और उनके सर में क्या है? ये लगभग ये 60 की लो लगभग, ये घास है, घास गायों का चारा। हाँ। और देखिए कैसे ऊपर को आ रहे हैं चल के, बिल्कुल देखिए गजब, मजा आ गया। और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, वाव यार, सच्चा ब्यूटीफुल, क्या नेचुरल हवा है। तो कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम। कुछ कह दो ना फिर, क्या तुम्हारे मन में? मन में तो अब क्या है, मन में तो ठंडी ठंडी हवा ही चलती है। वो नज़ारे सिर्फ पहाड़ों में ही मिल सकते हैं, जो नज़ारे का आनंद आज हम उठाना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो आप पिथौरागढ़ से मुंशियारी आ सकते हैं या दिल्ली से सीधे मुंशियारी आ सकते हैं, और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। तो अभी हम आ चुके हैं डीडी हाट में। डीडी हाट में हमने फेमस है यहाँ का थेचुआ, और यहाँ पर नेगी मिष्ठान आपको दिखाते हैं इनका। यस, यह थेचुआ, ये कितने रुपए केजी है? 320 रुपए केजी। बहुत ही फेमस है ये यहाँ का, बहुत ज्यादा किसान है। नेगी जी की काफी पुरानी शॉप है और कई वर्षों से ये इसी क्वालिटी के साथ ये काम कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। और डिडियाट को दूसरे नाम से, खेतरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये बुलेट की इनफील्ड वाले सारे बाइकर्स यहाँ पर खेतवा खाने आए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसको रबड़ी नहीं, इसको थेचुआ बोलते हैं, राइट सर? क्या बोलते हैं इसको? थेचुआ। थेचुआ। और कैसा है इसका? अद्भुत टेस्ट है भाई, ये आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, ओनली इन डीडी हाट, ओनली फॉर डीडी हाट, डीडी हाट नेगी मिष्ठान भंडार। तो अभी हम डीडी हाट से आगे निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं हम बरम की साइड में, जौलजीबी से आएंगे बरम, ठीक है। आगे का अपडेट वहाँ देते हैं। तो ये नदी, आप नीचे साइड में एक नदी देखेंगे, नदी नदी के उस साइड में है नेपाल, इस साइड में है इंडिया। तो इस नदी का डिस्टेंस है। अब हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया जहाँ पर हमने करना है खाने पीने की व्यवस्था।
तो यहाँ पे देखते हैं खाना क्या मिलता है सब लोगों के लिए। सब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था यहीं पे कर रखी है। और लगभग लगभग पहुँच ही चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है। और अभी रास्ते में एक गाड़ी ख़राब भी हो गई थी, गाड़ी में स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया चलते चलते। और जो आपको सामने गाड़ी दिख रही है ना ब्लू कलर की लैगोन, यही गाड़ी ख़राब हुई थी। तो हमने क्या करा, इसका राइट साइड वाला जो स्पार्क प्लग होता है उसको निकाला और चेंज कर दिया। और गाड़ी बिल्कुल देखिए सामने बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। तो अगर आप राइट पे आते हैं तो जैसे क्लच वायर हो गई, चैन स्प्रे हो गया और स्पार्क प्लग हो गया, ये चीज़ें लेके जानी चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, अब यहाँ रुकते हैं। तो कितने देर, अगर आप मुंशियारी मतकोट के रास्ते आते हैं तो आपको एक बिल्कुल वाटरफॉल दिखेगा, बिल्कुल भयंकर वाला, जो थोड़ा सा आगे है। ओ तेरी, यहाँ देख सकते हैं आप, वाह, सारे राइडर्स यहीं रुक के अपना मज़ा ले रहे हैं और हमें भी मौका मिलेगा मज़ा लेने का। यस, मज़ा लेने के लिए तैयार हैं, फोटो सेशन चल रहा है और यहाँ हम भी हैं मेरे दोस्त। इसके पीछे रीजन है, यहाँ पे नदी देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे रुकने का जो मेन रीजन है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे रुकने का मेन रीजन क्या है। ये देखिए झरना, भयंकर ही झरना है यार, वाह यार। ये पानी यहाँ गिरते हुआ देख सकते हैं और उसका आनंद लेने में कैमरा भीग जाएगा। मैं अच्छे से ज़्यादा नज़दीक जाता तो कैमरा भीग जाएगा, पर पूरा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ जिला ठंडा महसूस, और यहाँ पर फुल अभी मतलब जितने भी फोटो खींच सकते हैं खींच रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो का पहला पार्ट यही ख़त्म होता है। अब चलते हैं मुंशियारी, और मुंशियारी स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि अभी हम पहुँचने वाले हैं, पहुँचने पहुँचते रात हो जाएगी, रात होने से क्या दिखाने से अच्छा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। भैया आज हो गई लेट बहुत मुंशियारी पहुँचने में, और अभी बज रहे हैं 8:30, और मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, सब गाड़ी की साइड सिर पर सिर लाइट दिख रही है। और पता नहीं क्या होता है, चलो पहुँचते हैं होटल में, पहुँचते बात करते हैं।